ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले को लेकर सौंपा ज्ञापन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के सैनिकों की मौत से पूरा देश आक्रोशित है, जिसके चलते आज ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पाकिस्तान से पानी से लेकर सभी प्रकार के रिश्ते समाप्त किए जाए। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बनाया गया परमाणु बम का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म किया जाए और पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जमीन पूरी लेकर भारत में शामिल की जाए। साथ ही कहा, ऑल इंडिया मुस्लिमीन रामपुर पूरी तरह से भारत सरकार के हर एक फैसले में साथ है। ये क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इरान है, मैं MIM से यहाँ पर जिला से। आज जो ये ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? देखिए, जो कश्मीर के पुलवामा में जो शहीदों को शहीद करा गया हमारे सैनिकों को जी, उस सिलसिले में हमने यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया है DM साहब के माध्यम से, और हमने मांग करी है कि पाकिस्तान को सख्त से सख्त सजा दी जाए और पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म करा जाए। और जो APG अब्दुल कलाम साहब का परमाणु बम जो दे रखा है हिंदुस्तान को, जो शक्ति है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करते हुए उसको हिंदुस्तान उसको दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान को रोज़ रोज़ का किस्सा ख़त्म कर दिया जाए, ये चीज़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से सैनिकों के साथ है, भारत सरकार के साथ है। जो भारत सरकार फैसला लेगी पाकिस्तान को मिटाने के लिए, बदला लेने के लिए, हम उसके साथ हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या आश्वासन दिया गया सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, हम आपकी मांगों को महामहिम महोदय जी को भेज देंगे और उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाए।